दोस्तों मई के महीने की ये, जहां दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है वहीं उत्तराखंड में क्या मौसम हो रखा है ठंडा। और आज बरसात ने इस ठंड में और चार चांद लगा दिए हैं। ये है पहाड़ उत्तराखंड। कम से कम ये बारिश दो घंटे से कंटिन्यू गिर रही है, कंटिन्यू। आप देख सकते हैं ये जो पानी भरा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ बारिश हो रही है। फ्रेंड्स वेलकम टू द विवेक नेगी व्लॉग चैनल। आज का व्लॉग डे 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगा जंगल कैंप, रियल जंगल कैंप। तो अभी तक आपने बहुत सारी कैंपिंग्स देखी होंगी, ऋषिकेश की कैंप और भी पहाड़ों के कैंप, बट मैं आज आपको रियल जंगल कैंप दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली, आज हम जंगल की रियल कैंपिंग करेंगे। पूरा सामान, जरा सामान दिखा दो यार एक बार ऊपर करके, ये देखिए ये। थोड़ी देर में हम लोग जंगल में पहुंचने वाले हैं। ये पूरे पहाड़ है, ये रास्ता है, हम यहाँ से जाएंगे और देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। पूरा सामान हम अपने साथ लेके जा रहे हैं और वहाँ जाके आज हम कैंप करने वाले हैं। आधे रास्ते तक हम पहुँच चुके हैं, मैं आपको रास्ता और थोड़ा लोकेशन यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ लोग आगे जा रहे हैं और ये है हमारा गाँव का नेचुरल जंगल, और अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है, तो लेट्स सी, देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ से आए हैं, यह आप देख सकते हैं पहाड़ पूरा, और आगे जाना है अभी हमें, मंजिल दूर है। दोस्तों चल रही है टीम पूरी। देखिए दोस्तों ये वही फ्रूट है मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये काफी मात्रा में उत्तराखंड में होता है। नाम गैस कीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए। और अभी यही थोड़ी देर पहले जंगली मुर्गा बैठा था, लड़कों ने देखा उसको मारा था, उड़ के भाग गया। दोस्तों वो जो दिख रही है आपको जगह, वहां पे पानी है, तो हमने पानी के आसपास दो तीन लोकेशन डिसाइड करी थी। हमने डिसाइड किया फिर वहां पे थोड़ा बैठने का सेटअप नहीं बन रहा था, धूप हो रही थी, तो हम यहाँ लेके, और ये हम त्रिपाल लेके आए। बाकी सामान आप देख रहे हैं, लड़के पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ हम बैठ के अभी पिकनिक स्टार्ट करने वाले हैं अपनी। और दोस्तों ये है हमारा, ये कुछ अगर गोता 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 की है ये कैंपिंग, और गोता के साथ हमारे गोतू और भोता दोनों बैठे हैं। और इसी के साथ हम जो है जंगल में आ लगी है, हमारा साथी भी हमारे साथ आया हुआ है, सिक्योरिटी, सेफ्टी। और ये चूल्हा चढ़ चुका है मैगी के लिए, तो बेचारा अकेला बैठा हुआ है साइड में। ले। और हमारे रतन भाई साहब देखिए, प्याज फ्राई हो चुका है मैगी के लिए। तो हमारी पिकनिक बहुत बढ़िया चल रही है, आप पीछे की लोकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल फॉरेस्ट है। ये हमारे गांव का जंगल है जहाँ से हमारे गाय बैल बछड़े सब घास वास और हमारे घर के लिए लकड़ियाँ वकड़ियाँ जाती है। वो आप रास्ता देख रहे हैं, वहाँ से दूर से हम लोग आए हैं ये रास्ता तय करते हुए। और ये साइड ये जो आपको दिख रही है नदी, ये नदी जो है ये पानी से भरी हुई रहती है, अभी भी थोड़ी थोड़ा पानी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं पीछे जंगल आपको काला काला दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो भी ये काला दिख रहा है ये सब ये आग लगी हुई है यहाँ पे, आग लगी थी किसी टाइम पे, पेड़ वेड़ जल गए थे, अब धीरे धीरे वापस से ये पेड़ वापस से खिल रहे हैं। ये देखिए लड़के अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई मैगी बना रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नित्तू भाई हमारा ऊपर से डायरेक्शन दे रहा है। तो दोस्तों प्याज वगैरह कट रहा है यहाँ पे, मैगी तैयार हो चुकी है और कार्ड्स वगैरह भी हम लोगों ने खेल लिए हैं, और हमारे शेफ अंकु सिंह ने
ये बना दिए बिल्कुल मैगी पहाड़ी स्टाइल में। इतनी मैगी हम अभी खाएंगे। ये देखिए, ये हमारा कालू, ये हमारा सेफ्टी, ये हमारा कालू भूटी हमारी सेफ्टी के लिए आया है यहाँ पे। ये बेचारा हम जहाँ भी जाते हैं ये हमारे पीछे पीछे आता है यहाँ पे। भूटी क्या खाएगा बेटा? ये बन चुकी है हमारी मैगी। एक कम हो, एक ये और ले लो थोड़ा थोड़ा। मैगी खाने के बाद रेस्टिंग मोड में आ गए हैं सारे बंदे। हमारा डॉगी भी बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी दे रहा है पूरी तरीके से। बर्फ सी सोनिया मेर मां अर जों तुम्हारी जान में सिल्की बांध का जो अर सिल्की धोती लाई पोली बांध धोती लाई पोली सिल्की। तब क्या सूरज यार। दोस्तों मैगी खाने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया यहीं पे लेट के, और अब आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा सा रंगीन सा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं भाई लोग चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने का, फिर हम यहाँ से घर निकलेंगे। और ये देखिए हमारे शेफ साहब चाय की तैयारी कर रहे हैं। और जंगल में आपने इस तरीके से गांव में जो केतली यूज होती है चाय बनाने के लिए, आप लोगों ने शायद इसमें चाय पी होगी। 12 आदमी है ना? और ये देखिए 12-14 लोगों के लिए चाय बन रही है इसमें। तो जैसा कि हम लोग पहाड़ों में चूल्हा जलाते हैं या हम जंगल में जब कभी भी चूल्हा जलाते हैं तो डायरेक्ट लकड़ियाँ जलाने के लिए हम एक टाइप की लकड़ी का यूज़ करते हैं। मैं आपको लकड़ी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो लकड़ी। उत्तराखंडी लोग पहाड़ी लोग शायद इस लकड़ी को पहचान जाएं। अगर आप पहचान चुके हैं तो आप इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस लकड़ी के रिगार्डिंग आपको एक हिंट दे देता हूँ। इस लकड़ी में आग बहुत जल्दी लगती है, और जब हम लोग लकड़ियाँ लगाते हैं चूल्हे में, आप देख सकते हैं ये जो चूल्हा जल रहा है, तो माचिस से पहले इसको जलाया जाता है फिर हम लकड़ी को जलाते हैं, तो बहुत जल्दी आग इसमें लगती है। तो आप बताइए अब इस लकड़ी का नाम। हम लोग चाय का लुत्फ लेते हैं। चाय बस थोड़ी देर में बनने वाली है और शेफ अंकु इस चाय को तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए हमारा भाई नितिश, ये हमारे साथ आया है बेचारा। यहाँ पे बोर हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, शांत शांत बैठा हुआ है। और ये हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज बगीरा बग्गो। हाँ, और कैंपिंग के बाद जो भी हमारा यहाँ पे कचरा हुआ, डिस्पोजल प्लेट्स प्लास्टिक वगैरह, वो सब हमने यहीं पे डिस्पोज ऑफ कर दिया है ताकि हमें यहाँ से लेके जाना ना पड़े और हमारा जंगल भी यहाँ साफ रहे। जब तक ये पूरे जल जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से घर को निकलेंगे। और ये रही वो सूरतें जो आज यहाँ मजा करने आए थे टीम, और इंजॉय करके जा रहे हैं यहाँ से। ये था हमारा चूल्हा जिसने हमारा साथ दिया, के साथ सारा जो भी वेस्ट मटेरियल था वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। तो हम लोग सब घर की तरफ निकल रहे हैं। सारा सामान हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, जो भी हम पतेला वगैरह केतली वगैरह दरी वगैरह लाए थे सब लोग उसको उठा रहे हैं और हम घर की तरफ चलते हैं। और फाइनली सब कुछ डिस्पोज ऑफ कर दिया हमने यहाँ पे। कौन अभी हम और लास्ट में आग जलाने के बाद हम इसमें पानी भी डाल दे रहे हैं क्योंकि जंगल है, हवा तेज चल रही है और अगल बगल आप देख सकते हैं घास फूस है, ये बहुत तेज आग पकड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी एक चिंगारी यहाँ पे रहे जिसकी वजह से आगे कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो यहाँ पे। और ये चूल्हा था जिसपे हमने मैगी और चाय बनाई, इसको भी हम लोग पानी से पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं ताकि इसमें भी कोई ऐसी चिंगारी ना रहे जो बाद में कोई नुकसान करे। तो चलिए दोस्तों अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। पूरी टीम हमारी घर की ओर प्रस्थान कर रही है। ये देखिए सब लड़के जोश से बिल्कुल सामान जो जैसा लेके आए थे वैसे ही चल रहे हैं। तो जो बर्तन वगैरह थे हमारे वो यहीं पे जो पानी आ रहा है, दो भाई हमारे वो धो रहे हैं बर्तन, हम थोड़ा आगे उनका वेट कर लेते हैं। मज़ा आया दोस्तों, तो ये पिकनिक ऐसी होनी चाहिए बीच बीच में। एक्चुअली हमने मैगी वैगी इसलिए बनाई क्योंकि पूजा के बाद हमारी 3 दिन की केयर थी, हम 3 दिन तक कुछ भी नहीं खा सकते थे, चिकन वगैरह नॉन वेज, इसीलिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ी। और ये है हमारे गाँव का एक लोकेशन जहाँ एक तरीके से स्विमिंग पूल बोल सकते हैं आप इसको, पहाड़ों के बीच में पानी जमा होता है, लड़के नहाते हैं आप। ये है हमारी टीम जो पिकनिक बना के वापस घर को जा रही है। दो बंदे ऊपर बर्तन धो रहे हैं, वो भी आने वाले हैं जल्दी से। घर वापसी के टाइम मुझे एक और चीज़ मिली है तो मैं थोड़ा सा गढ़वाली में बोलना चाहूँगा। मैं तो एक और चीज़ मिली, तो जो भी
गड़ोली भाई बंद ये वीडियो तो दिखना चाहिए। जरा आप लोग गेस कर रहे हैं क्या चा? ये देखो ये एक नौ भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता। मेरे ख्याल से जो उत्तराखंड के बाहर के लोग होंगे शायद वो इसे पहचान ना पाए, बट ट्राई कीजिए आप इसे पहचानिए। तो दोस्तों हम अपने गांव के करीब करीब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा गांव दिख रहा है, ये सड़क है नेशनल हाईवे। तो फाइनली हम अपने गांव के आसपास पहुंच चुके हैं, ये हमारा गांव दिख रहा है दोस्तों, और ये है रास्ता जहां से हम घर की तरफ जाएंगे। और आप वो देखिए, ये जो आपको नीचे ग्रीन कलर का घर दिख रहा है ये है हमारा नया घर, और ये यात्रा करके आ चुके हैं पिकनिक मना के। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो काफी दिनों से एक जंगल कैंप का प्लान कर रहे थे वो हम करके आ चुके हैं। तो ये सारे लोग फुल जंगल कैंप एंजॉय करके आए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये व्लॉग? आप इस व्लॉग को देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप इसे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम घर पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में नीचे हमारा घर है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए तब तक